उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी खिलाड़ियों को न सिर्फ सम्मानित करेंगे बल्कि खिलाड़ियों के ऊपर धन वर्षा भी करेंगे। जी हां, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में 19 अगस्त को भव्य समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी ने गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा, रजत जीतने वाले रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू समेत सभी पदक विजेताओं को सम्मानित कर नगद राशि भी देंगे। ओलंपियन का सम्मान प्रदेश भर के खिलाड़ियों के बीच किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों से खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 41 साल बाद कांस्य जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम और चौथा स्थान हासिल करने वाली महिला टीम को भी सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश से भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ और रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू को 1.5 करोड़ रुपए, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु और लवलीना को 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कांस्य जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चौथे स्थान पर रही महिला हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुरुष हॉकी टीम के चीफ कोच को 25 लाख 10-10 लाख रुपए प्रति स्टाफ को दिया जाएगा। पहलवान दीपक पुनिया और गोल्फर अदिति अशोक को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। हॉकी का कांस्य जीतने वाली टीम के खिलाड़ी वाराणसी के ललित उपाध्याय को कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपए के अलावा प्रोत्साहन राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी मेरठ की वंदना कटारिया को 75 लाख रुपए मिलेंगे। इसी के साथ मेरठ की प्रियंका गोस्वामी, चंदौली के शिवपाल सिंह, मेरठ के ही सौरभ चौधरी, सीमा पुनिया और अनुरानी, बुलंदशहर के मेहराज अहमद खान, सतीश कुमार और अरविंद सिंह सभी को 25-25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के द्वारा किया जाने वाला यह सराहनीय कार्य है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इससे प्रदेश के युवाओं के अंदर खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सम्मान से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर नए प्रतिभावान खिलाड़ी के अंदर उत्साह का संचार होगा और इस तरह का सम्मान खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।